मारुति सियाज के अंदर टाइम सेट करने के लिए इसके ओडोमीटर के अंदर ये दो नॉब्स दी हुई हैं। इन दोनों नॉब्स को कॉन्टिन्यूसली प्रेस करने और प्रेस करने के बाद यहाँ टाइम ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आवर्स यानी 3:00 या 4:00 हम इसमें सेट करते हैं 4:45। जब ये ब्लिंक कर रहे हैं इस वाली नॉब को इस तरीके से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद जो भी डिजायर्ड टाइम है वो आ जाएगा। अभी हमने 4:45 सेट करना है तो 4 सेट हो गए। फिर इसके बाद इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। अंदर की तरफ प्रेस करने से ये ओके हो गया है और अब मिनट्स वाला टाइम हमने सेट करना है। अब ये मिनट्स वाले ऑप्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो इस स्लाइडर को हम एक एक करके रोटेट करें और 45 पे लेके जाएं, या फिर फास्ट मूव करने के लिए इसको प्रेस करके रखें तो कॉन्टिन्यूसली ये काफी फास्ट मूव होगा और 45 पे आने के बाद इसको ओके प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से मारुति सियाज के अंदर टाइम सेट होता है और टाइम सेट करना बहुत ज्यादा आसान है।